जय हिंद भाई लोगों, रसिया सीरीज़ के न्यू ब्लॉग में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 12:30 बज रहा है। बड़ी देर से मैं हॉस्टल में बैठा हुआ था, मैं निकल सकता था बहुत पहले, 12 से पहले भी। प्रॉब्लम ये थी कि भाई पूरा डार्क हो रखा था, क्योंकि आधे और एक घंटे के लिए, जिस तरह से लाइट अब मेरे आप पीछे देख रहे हैं, ये केवल आधे घंटे के लिए लाइट ये होती है, तो मैं इसका वेट कर रहा था। तो यार क्योंकि पता ही, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि पूरे टाइम डार्क रहता है, नाइट रहता है, तो जैसे ही वो हुआ तो मैं निकल गया। तो भाई जो टेम्परेचर हो रहा है वो हो रहा है -18, और आज पहले से कुछ ज़्यादा मैंने आज कपड़े और डाल रखे हैं। इस तरह जैसे जैकेट मैंने पहनी है, ऐसे ही कुछ और है, तो एक जैकेट और इसके अंदर है, उसके अंदर 2-3 लेयर के और मैंने पहन रखे हैं। तो आज थोड़ा ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये क्या है भाई, ठीक है, ये एक्चुअली भाई ये क्या है, हो रखा है, ये गाड़ियाँ खड़ी होती है ना, इनके सफाई वफाई करते हैं, वॉश वॉश करते हैं ना, तो इतने एरिया में ये इस तरह से ब्लैक ब्लैक हो जाता है। पहले मैं भी सोच रहा था कि ये क्या चीज़ है, डीजल उजल गिरा है गाड़ी का, मगर नहीं, ये गाड़ी उड़ी वॉश करते हैं उसका है। आसपास का नज़ारा कुछ ये हो रखा है मस्त वाला। इधर से आ रहा हूँ और बता दूँ मैं फटाफट आपको कि आज का प्लान क्या है। आज का प्लान ये है कि भाई मैं जा रहा हूँ लेनिन आइस ब्रेकर करके एक स्पॉट है, काफ़ी फेमस एरिया है और उसके पीछे काफ़ी कुछ हिस्ट्री भी है। तो मुझे वहाँ पे बहुत पहले जाना था, मगर जब मैं आया था उस दिन ही मेरा प्लान था, उस दिन जाऊँगा, फिर लगा दूसरे दिन जाऊँगा, मगर नहीं हो पाया। ठीक है, तो आज का प्लान बना है, आज मैं जा रहा हूँ और जाएंगे वहाँ पर, उसके बारे में वहाँ जाकर ही बात करेंगे। ठीक है, तो वहाँ तो पहुँच जाऊँगा मैं अभी, क्योंकि कोई बस वस्तु वहाँ जाती नहीं है, टैक्सी करनी पड़ेगी मेरे को। जाने को तो मैं पैदल भी जा सकता हूँ, क्योंकि 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, मगर नहीं जाऊँगा पैदल, थोड़ा एनर्जी बचा के रख रहा हूँ। शाम को भी घूमना है, सिटी एक्सप्लोर करना है, सारा कुछ है, तो करूँगा मैं टैक्सी यहाँ से। फेयर कुछ ज़्यादा नहीं है, 150 रूबल दिखा रहा था अभी मैंने इंडेक्स में देखा है, फिर मैंने उबर में भी देखा है, दोनों का कंपेयर किया हूँ, ज़्यादा नहीं, 20-30 रुपये का, मतलब रुपए बोल रहा हूँ बराबर ही रूबल के बराबर है, तो भाई 20-30 रूबल का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं उबेर आएगा तो उबेर कर लूँगा, जैसे कि ये देखो उबेर गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, तो उबेर की भी सर्विस बहुत बढ़िया है यहाँ पे, तो उबेर आएगा तो उबेर कर लूँगा, इंडेक्स आएगा इंडेक्स कर लूँगा। जब भी टैक्सी उक्सी करो ना, एक स्पॉट पर खड़े हो जाओ, क्योंकि देखो वो ड्राइवर है, उसको लैंग्वेज तो आपकी समझ में आने वाली नहीं है, अब वो जो बोलेगा आपको समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, और हमारे यहाँ भी देखो, चाहे जोमेटो हो, अमेजन वाला हो, और चाहे टैक्सी वाला हो, कभी कभी होता है कि आपका नेविगेशन, मतलब GPS है ना, सही नहीं शो करता है, मतलब जैसे किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग है, कहीं भी आप खड़े हो तो बैक साइड खड़ा हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, वो प्रॉब्लम आती है GPS की, वो लोकेशन आगे पीछे ले लेता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा है आप कहीं बाहर ट्रिप करने जाओ, तो जैसे जो मैं करता हूँ, मेरा क्या है कि मैं किसी लैंडमार्क में खड़ा हो जाता हूँ, जैसे डोमिनो, पिज्ज़ा हट, KFC, कोई फेमस ऐसा स्पॉट होता है, तो ये सबसे अच्छा है। तो मैं भी जा रहा हूँ, एक यहाँ पे लोकेशन है, तो काफ़ी वहाँ पे 2-3 लैंडमार्क है ऐसे, मैं बोल सकता हूँ उसको, 2-3 बार मैं वहीं से करता हूँ टैक्सी और आ जाती है बिल्कुल एग्जैक्ट वही प्लेस में, फ़ोन ऑन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से निकलते हैं भाई, टैक्सी मिल गई है और टैक्सी में बैठ गए हैं, और थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि वही जो मैं बता रहा था आपको कि सेम कि आप किसी गलत लोकेशन में खड़े हो गए तो प्रॉब्लम हो जाती है, सेम वही प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई अभी। एक्चुअली वो बहुत पीछे खड़ा हो गया और इधर की तरफ नहीं था, मैंने किसी लोकल से बात करवाई, तब जाके 2 मिनट के बाद वो पे आया, और जैसे ही टैक्सी में बैठे हैं वैसे ही स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया, जैसे कि आप बाहर दिख रहा होगा। भाई टैक्सी वाले ने उतार दिया एग्जैक्ट प्लेस पे, मगर थोड़ा सा यार कॉस्टली पड़ जाता है टैक्सी उक्सी, क्योंकि थोड़ी सी दूर आया, मतलब 2.5 किलोमीटर था, 316 रूबल आया, पहले दिखा रहा था कि उस पर यार 170-180, मगर घुमा फिरा के टैक्स वक्स लगा के 40-50 रुपये, इस समय 316 आया, और इतनी स्पीड में स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया है, पूछो मत यार। ये देखो
पीछे दिख रहा होगा। मैं थोड़ा घुमा के दिखाता हूँ एक जगह कैमरा, थोड़ा सा मैं स्टॉप करता हूँ। ये अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखो कैसे वो स्नोफॉल हो रहा है। और ये इसमें बहुत कम दिख रहा है, हो बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत स्पीड पे हो रहा है, जैसे बारिश होती है ना भाई स्पीड पे, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। इधर डार्क है, नहीं दिखेगा, मगर बहुत तेज़ हो रहा है स्नोफॉल। ये भाई पोर्ट है, मतलब स्टेशन है, ऊपर देखो ये लिखा हुआ है, ये पूरा स्टेशन है। तो अभी इतना ये वर्क में नहीं है। और ये एक बच्चों खेलने का स्लाइडिंग है, मैं इधर से आया हूँ, यहाँ बैठ उठ सकते हैं। ठीक है, ठंड इतनी है कि कोई कैसे बैठेगा इतनी ठंड में। ठीक है, कोई है भी नहीं, देखो बहुत कम लोग हैं गिनती के, मतलब 15-20 लोग। भाई रिकॉर्ड करते करते कैमरा बंद हो जा रहा है, 3 बार बंद हो चुका है बीच में कैमरा। कह रहा है कि बैटरी भाई पावर ड्राप की ख़त्म हो गई है, मगर जैसे ही मैं चेक कर रहा हूँ बैटरी में अभी पावर है, कम से कम 60% है, मगर फिर ये बंद कर दे रहा है क्योंकि इतना कूल है बाहर, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, 17-18 है। भाई कैमरा जवाब दे रहा है बार बार, अब ये चौथी बार है जो बंद हो गया है। और एक्चुअली बैटरी में अभी है, चार्ज है बैटरी, कम से कम 60% है, मगर स्नोफॉल हो रहा है इतनी स्पीड में, ठंड हो रखी है, बैटरी बार बार कैमरा बंद हो जा रहा है। तो मैं ये बता रहा था कि भाई जो मुरमंस है, वैसे भी वो एक पोर्ट था पहले, ये एक तरह का पोर्ट था जो को यूज किया जाता था, यहाँ पे शिप्स उप्स आती थी यहाँ पे। ये देखो ये जगह है जहाँ पे शिप्स वगैरह सारा कुछ आता था यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे एक शिप ऐसी है जिसके लिए लोग टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, काफ़ी अट्रैक्शन है मुरमंस का, उसको कहते हैं कि लेनिन आइस ब्रेकर। भाई लेनिन आइस ब्रेकर वो क्या करता था कि जब विंटर आता था, समर में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी, विंटर के टाइम में वो नदियाँ जम जाती थी भाई, जब वो जम जाती थी जो कंसाइनमेंट जो कि कंटेनर जो वगैरह, मतलब जो शिप सामान जो आता था यहाँ पे, प्रॉब्लम हो जाती थी आइस जमने के बाद में। तो ये न्यूक्लियर से चलने वाला वर्ल्ड का सबसे पहला शिप है जो 1957 में लॉन्च हुआ था, और न्यूक्लियर पावर से चलता था ये शिप भाई, न्यूक्लियर पावर से चलने वाला सरफेस में सबसे पहला शिप, आप गूगल भी कर सकते हो, सबसे पहला शिप है वो चलता था। और ये उधर वो खड़ा है वहाँ पे, सॉरी इस कैमरे से इस ट्री के पीछे खड़ा है, वहाँ चलते अब निकलते हैं यहाँ से। ये पीछे उसका स्टेशन है यहाँ से, और अब ये शिप को म्यूज़ियम बना दिया गया है भाई। तो अंदर जाओगे तो आप यहाँ के मुरमंस की हिस्ट्री उस्ट्री वगैरह सारा कुछ, जब से चला है वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह सारा कुछ वहाँ पे हिस्ट्री उसके अंदर है। तो अंदर तो हम नहीं जाने वाले हैं, उसके टिकट वगैरह भी है, टाइम मेरे पास इतना नहीं है, मैं सिर्फ शिप्स एक्सप्लोर करने आया हूँ। तो वो सामने वो शिप खड़ी है, ये लोकेशन है भाई देखो पूरा, और ये दूर से लेता हूँ जाके फ्रेम पर आ जाए। टाइम भाई ये मत सोचो कि रात हो गई है या शाम हो गई है, कुछ नहीं है, 1 बज रहा है अभी। मैं आधे घंटे लगे होंगे मेरे को, मैं खड़ा था आधे घंटे पहले, टैक्सी ने मेरे को 10 से 12 मिनट लगा लाके छोड़ दिया, बहुत दूर 2.5 किलोमीटर था। ये देखो यहाँ पे ये नदी है ना, ये जम जाती थी, तो कोई भी वहाँ से कोई भी शिप्स कहाँ चलेगी बर्फ के ऊपर भाई, प्रॉब्लम हो जाता था यहाँ पे। अब ये वहाँ पे खड़ी बहुत बड़ी शिप है पूरी, ये देखो भाई ये, और जो इसका डिज़ाइन है ना वो थोड़ा सा वो शिप से अलग है। आगे का जो इसका वो है ना वो कुछ ऐसे है, क्योंकि जैसे जैसे ही बर्फ़ के ऊपर ना चढ़ता रहता है ना, ऑटोमेटिक बर्फ लोड, एक्चुअली ऐसे नहीं है ये ऐसे उठा हुआ है। अभी पास में जाकर शिप में उसका दिखाऊँगा तो होता क्या है, वो धीरे 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 आइस के ऊपर चढ़ता जाएगा, जब अचानक एक लोड, क्योंकि लोड इसी पर जो लोड है, जब आइस के ऊपर पूरा अच्छे से बैठ जाता है ना तो आइस टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो आइस जब टूट जाती है तो रास्ता क्लियर हो जाता है, तो फिर शिप जो कंटेनर है, जो भी मतलब जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी हो रहा है, वो जहाज़ें आराम से आ जाती थे इस पोर्ट तक है। तो भाई चल रहे हैं उस शिप के पास, ये सब टूरिस्ट आ रखे हैं पीछे सब लोग।
वो लिखा हुआ है लेनिन, वहाँ पे लिखा है शिप के ऊपर लेनिन, अंदर एंट्री नहीं है यहाँ से, ये बंद हो रखा है, यहाँ पे एंट्री नहीं है अंदर। और जब ये म्यूज़ियम अभी आज शायद क्लोज भी है, म्यूज़ियम नहीं है अभी, क्योंकि ऑनलाइन जो मैं देख रहा था इसमें म्यूज़ियम आज नहीं दिखा रहा था, मुझे जाना भी नहीं था, शायद 800 या 1000 रुपये इसका चार्ज भी है यहाँ जाने का, तो यहाँ से होगा भाई, जाते होंगे अंदर, म्यूज़ियम पूरा बना दिया गया शिप को, अच्छी खासी बड़ी शिप है, अभी यहीं रहती है, कहीं नहीं जाती है। ये है, ये देखो इसका मेन जो देखो ये पोर्शन देखो नीचे वाला भाई ऐसे उठा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो ये जब आइस के ऊपर चढ़ता जाएगा ना तो लोड बढ़ता है तो आइस टूटना स्टार्ट हो जाती है, इसको बांध रखे हैं दोनों तरफ से, अभी सर्विस में तो है नहीं। और ये पोल पूरा देखो आइस भाई जमा हुआ है, ये देखो बड़े बड़े, और सफाई होती है, मतलब दिन में वैसे सफाई नहीं होती है, एक दिन में मतलब जैसे उधर होती है सिटी उटी एरिया में भाई, हर 2-3 घंटे 4 घंटे में, यहाँ एक बार कर देंगे पूरा पूरा, देखो पैर चला गया इसके अंदर और चल रहे हैं उधर लोग, यहाँ फ़ोटो शोटो ले रहे भाई, यहाँ तक आना और फ़ोटो नहीं लिया तो बात नहीं ठीक है भाई ना, तो फोटोग्राफ ले रहे हैं। और बस अभी आधे घंटे और ज़्यादा, ये थोड़ी सी लाइट है ना ये रहेगी, फिर पूरा अंधेरा हो जाएगा, ठीक है, बस होने ही वाला है, लाइट तो वैसे ही कंटिन्यू जल रही है, देख रहे हो आप। और यहाँ पे कुछ रसिया में लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो ये जो ये शिप है यही काम में आती थी आइस ब्रेकर, ये है भाई लेनिन वाली, ये पूरे लोग अलग अलग कंट्री के लोग हैं बाहर खड़े हैं। एक्चुअली इस शिप को अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है, एक बार अवार्ड मिला है, कब मिला है किस चीज़ के लिए मिला है ये नहीं पता, मगर इस अवार्डेड है, मतलब इसको अवार्ड मिल चुका है। और वहाँ भी कुछ है देखो, एक्चुअली पोर्ट एरिया है ना मेरे, और ये सब खड़े हैं सब बर्फ़ से, देखो भाई बर्फ़ से लदे हुए हैं पूरे, मशीनरी होगी इसी की होगी, पार्ट होंगे इसके या कुछ अलग से होगा, तो ये सारा कुछ खड़ा है, इस्तेमाल में शायद आते हैं कि नहीं आते इसका तो आइडिया नहीं है भाई, इस्तेमाल में लिए जाते कि नहीं जाते, मगर ये तो भाई सर्विस पे अब नहीं है, जो कि लॉन्चिंग इसका था तो 1957 में था, ठीक है, उसके बाद तो अब चला कम से कम 1957, और वहाँ से ले लो जो प्रॉपर वर्किंग में हुआ तो 58 पे हुआ फिलहाल, ठीक, जो प्रॉपर वर्क में हुआ लॉन्च हुआ तब, मगर जो काम में लिया गया वो 58 पे लिया गया, फिर 60, 70, 80, हाँ मतलब 30, 35, 36 साल ये प्रॉपर चला, और न्यूक्लियर पावर से चलता था भाई, ठीक है।